श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। नियम 377 के तहत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान के बीकानेर शहर को भी सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। बीकानेर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, इसे रेगिस्तान की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इस शहर की जनसंख्या लगभग 7 लाख के करीब है। देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए भी बीकानेर शहर आकर्षण का केंद्र है। इसे सोलर हब के रूप में भी विशिष्ट पहचान मिली हुई है। बीकानेर में नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी हो चुका है और शीघ्र ही वायु सेवा से जुड़ने वाला है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का तपस्वी स्थल श्री कोलायत और विश्व प्रसिद्ध चुआ वाली करणी माता का मंदिर भी बीकानेर जिले में स्थित है। प्राकृतिक तेल, गैस, कोयला और पोटाश जैसे खनिज पदार्थों की संभावित खोज होने से बीकानेर की विकास की संभावनाएं प्रबल है। कृषि क्षेत्र में भी नए नए नवाचार हो रहे हैं। जैतून की रिफाइनरी का उद्घाटन हाल ही में हुआ है, जिससे कृषि क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। पशुपालन के क्षेत्र में भी बीकानेर अग्रणी स्थान रखता है तथा एशिया की ऊन मंडी के रूप में बीकानेर को यह गौरव प्राप्त है। अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर शहर को भी 100 स्मार्ट शहरों की श्रेणी में सम्मिलित कर इसे विकास की राह में तेज गति से अग्रसर होने का अवसर प्रदान करे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल।